ग्रुप के सभी वास्तु कंसल्टेंट्स, डॉक्टर, आचार्य सभी को मेरा नमस्कार। और मैं दिल से सबको दुआ दे रहा हूँ, अल्लाह ताला सब मस्त रहें, व्यस्त रहें। मेरा 11, 12, 13 एकर्स क्लब चेंबूर, ये बिल्कुल हाई लेवल बोले तो इसके बाद कुछ बचा ही नहीं है। हाई लेवल मैं वास्तु सिखाने जा रहा हूं 3 दिन, तो मेरे क्लासेस फुल हो चुके हैं। अब मुझको स्टूडेंट की जरूरत नहीं, और जैसे और सब मस्का मारते हैं वैसा मुझको मस्का मारने की जरूरत नहीं, उनको मेरे को मस्का मारना चाहिए अच्छा ज्ञान सीखने के लिए। तो इस बार जो है हम 5 लोगों को वास्तु की जो सबसे बड़ी टाइटल है, इसके बाद कोई टाइटल है ही नहीं है, या तो हम लगाते हैं अपने नाम के साथ वास्तु विद्या वाचस्पति, और या शस्त्र बुद्धे सर लगाते हैं। बाकी आज तक हमने ये टाइटल किसी को नहीं दिया, ये हम लोग अपने ऊपर यूज करते थे। लेकिन मेरी नजर में 6 स्टूडेंट ऐसे थे, उसमें से मैंने सोचा कि क्यों ना इनको भी वास्तु विद्या वाचस्पति दे दूं, ये भी असलम भाई बन जाए। कुछ लोग सोचते हैं कि शायद वो आगे बढ़ेंगे तो हमको तकलीफ होगी, बल्कि हमको खुशी होगी। तो ये 5 नाम है, संदीप महाकाल, गिरीश गोविंद हतवाड़े, हरीश बंबारिया, शैलेश पॉल, बस ना, मोतीलाल झांगड़, डॉक्टर मोतीलाल झांगड़, डॉक्टर हरीश बंबारिया, डॉक्टर शैलेश पॉल, डॉक्टर संदीप महाकाल। इसमें एक नाम और था लेडी का, वर्षा जलगांवकर, क्योंकि वो भी बहुत पुरानी वास्तु कंसल्टेंट है, लेकिन वो किसी कारणवश ये क्लास नहीं अटेंड कर सकती, तो इसलिए उसको जो है हमने उसकी सर्टिफिकेट को ब्रेक कर दिया है। लेकिन ये 5 लोगों को जो है हम वास्तु विद्या वाचस्पति की टाइटल देने जा रहे हैं। बाकी और सबको तो वास्तु कंसल्टेंट्स की पदवी मिलेगी, लेकिन ये 5 लोग ऐसे हैं जिनको वास्तु विद्या वाचस्पति अब वो अपने कार्ड पे लिख सकते हैं। अब वो अपने कार्ड पे, बैनर पे, अपने ब्रोशर पे, हर जगह वास्तु विद्या वाचस्पति लिखे। और मेरे को लगता है ये बहुत बड़ी जो है एक जिम्मेदारी होती है जिसको वास्तु विद्या वाचस्पति बनाया जाता है, क्योंकि वो हमेशा पारंपरिक लेके चलता है, पारंपरिक के अलावा उसको कुछ नजर नहीं आता। दूसरा, वो एक साइंटिस्ट होता है, वो किसी धर्म के हिसाब से, तंत्र मंत्र के हिसाब से वास्तु नहीं करता है। तो ये जो मेरे 5 स्टूडेंट हैं, ये बिल्कुल मेरी तरह ही थे, समझ लो ये मैंने 5 असलम भाई को निकाला। इसमें से सभी ने 8-10 क्लासेस मेरे किए हैं, चाहे अहमदाबाद में हुआ हो, चाहे पुणे में हुआ हो, चाहे बम्बई में हुआ हो, कहीं भी हुआ हो, पर्सनल भी ये मेरे पास आके सीखते हैं 2-2 बजे रात तक। तो मेरे को लगता था कि इनको जो है मैं इस बार वास्तु विद्या वाचस्पति की टाइटल दूं। अब ये अपनी बुक लिखेंगे, और वास्तु विद्या वाचस्पति की गरिमा का सम्मान करेंगे, उसका दुरुपयोग नहीं करेंगे। तो ये 5 लोगों को मुबारक हो, वास्तु विद्या वाचस्पति आप लोग 11 तारीख को बन जाएंगे। आपकी आईडी, आपकी सर्टिफिकेट सब पे हम वास्तु विद्या वाचस्पति 5 लोगों को उस पर बनवा रहे हैं। हर्षा जलगांवकर के पिताजी की तबीयत खराब है, उसको भी हमने वास्तु विद्या वाचस्पति दिया है, लेकिन सर्टिफिकेट और वो क्लास में नहीं आ रही, तो उसको रोका गया, देखेंगे बाद में। तो जो भी क्लास में आ रहे हैं वो सिर्फ अपना कपड़ा पहन के आएंगे,
खाने का इंतजाम हमने जो है वेज नॉन वेज एकर्स क्लब में दोनों रखा है, तो इंजॉय भी करिए। और इंजॉय से ज्यादा जो है ये सब्जेक्ट बहुत डेंजर रहेगा, बिल्कुल दिमाग को खाली करके आना, दिमाग में कोई फितूर नहीं भर के आना, क्लास को डिस्टर्ब मत करना। इसलिए मैंने इसमें जो है नए लोगों को बिल्कुल नहीं लिया है, सब महामहिम को मैंने बुलाया है। तो ये 3 दिन की तैयारी आप लोग करके आइए, आपको पूरी किट आपकी तैयार है, आपकी आईडी, आपका सर्टिफिकेट, ये सब तैयार है, सिर्फ आपको आके अपनी सीट पे बैठ जाना है। तो मैंने कई लोगों को फोन लगाया लेकिन वो फोन नहीं उठा रहे थे, तो मुझको तकलीफ हुई, इसलिए शायद मेरे को लगता है कि मैं ऐसे लोगों को सिखाऊंगा भी नहीं, मेरे को अभी बाहर निकलना है और ये ज्ञान को दूर दूर तक फैलाना है। तो इसमें पंजाब, इसमें उड़ीसा, इसमें दिल्ली, अहमदाबाद, राजकोट, सभी स्टूडेंट आ रहे हैं। लेकिन बहुत ही तकलीफ हो रही है कि बम्बई में रह के और बम्बई के स्टूडेंट इस क्लास को मिस कर रहे हैं। जिन्होंने 3-4 क्लास किया था, ये क्लास उनके लिए जरूरी था, क्योंकि मैंने बहुत कुछ नया किया था। तो अभी अगला क्लास हमारा दिल्ली। तो ऑल द बेस्ट, मस्त रहो, व्यस्त रहो। 5 लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत हार्दिक शुभेच्छा। डॉक्टर, अब हमारे डॉक्टर जो है वास्तु विद्या वाचस्पति बन गए हैं, वो अपना आज से इसकी गरिमा का ख्याल रखेंगे। और जिन्होंने अपना कार्ड छपवाया है वो कार्ड अब रख देवें। अब ये कार्ड अपने कार्ड के नीचे मेंशन करें, डॉक्टर लिखे ऊपर, पीएचडी इन वास्तुशास्त्र लिखें और वास्तु विद्या वाचस्पति, वास्तु कंसल्टेंस लिखने की जरूरत नहीं, आप लोग वास्तु विद्या वाचस्पति हो। अब आपके अंदर इतना पावर आ गया कि आप 10 आदमी को क्लास भी ले सकते हो। तो बेसिक क्लास लो, एडवांस के लिए मेरी तरफ भेजो। धन्यवाद, मस्त रहो, व्यस्त रहो, ऑल द बेस्ट।